हेलो एवरीबॉडी, मोस्ट वेलकम इन ऑनलाइन क्लास। आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन। ए टू जेड ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन का अध्ययन हम लोग डे वाइज डे एंड चैप्टर वाइज चैप्टर करेंगे। आज की क्लास में हम चैप्टर एल्कोहल ले आए हैं, जिसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट ए टू जेड नेम रिएक्शन है उसका अध्ययन करेंगे, बट डे वाइज डे। क्लियर? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेटर ए से स्टार्ट होने वाला नेम रिएक्शन, डेट इज एपल रिएक्शन। तो प्रीवियसली हम लोग हेडिंग इनपुट करते हैं, नेम रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, हियर मेंशन नेम रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स। क्लियर? इसके अंतर्गत पहली हेडिंग इनपुट करेंगे एपल रिएक्शन, एपल रिएक्शन। ओके, एपल रिएक्शन होता क्या है, कौन कौन सा रीजेंट यूटिलाइज्ड होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म कैसी होती है, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या क्या होती है एपल रिएक्शन की, इसका अध्ययन आज की क्लास में हम करेंगे। तो प्रीवियसली हम देख लेते हैं कि एपल रिएक्शन होता क्या है। एपल रिएक्शन समझना बहुत ही आसान है, आप लोग ध्यान देंगे। एपल रिएक्शन में एल्कोहल का कन्वर्जन एल्किल हैलाइड में किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राइफेनिल फास्फीन एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड, या हम कह सकते हैं कार्बन टेट्रा हैलाइड। क्लियर? इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ध्यान दें। एपल रिएक्शन क्या है, नेम रिएक्शन है, ऑर्गेनिक का है, तो हम इजिली डिफाइन कर सकते हैं। एपल रिएक्शन इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन व्हिच कन्वर्ट्स एल्कोहल इनटू करेस्पॉन्डिंग एल्किल हैलाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राइफेनिल फास्फीन एंड कार्बन टेट्रा हैलाइड। क्लियर? आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फर्दर हम डिफाइन करना चाहेंगे, एपल रिएक्शन इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन विच कन्वर्ट्स एल्कोहल इंटू करेस्पॉन्डिंग एल्किल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राइफेनिल फास्फीन एंड कार्बन टेट्रा हैलाइड। ओके, इसको हम यहाँ मेंशन करेंगे जिससे आप लोगों का समझना आसान हो जाएगा। हियर मेंशन एल्कोहल, दिस इज एल्किल हैलाइड, PPh3 ट्राइफेनिल फास्फीन CX4। तो आप देख रहे हैं दिस इज एल्कोहल, कन्वर्ट हो रहा है किस में, एल्किल हैलाइड में, इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राइफेनिल फास्फीन कार्बन टेट्रा हैलाइड इज कॉल्ड एपल रिएक्शन। ओके, इसको हम एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करेंगे। हियर मेंशन और एग्जाम्पल, सपोज करते हैं हम एक एल्कोहल लेते हैं लाइक दिस, दिस इज एल्कोहल। तो ये कौन सा एल्कोहल भाई, सेकेंडरी एल्कोहल है। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे PPh3 CX4 से, तो ये बनेगा हमारा R, हियर R, दिस इज X। तो आप देख रहे हैं सेकेंडरी एल्कोहल, एक ऐसा हैलाइड बन रहा है, सेकेंडरी हैलाइड बन रहा है, तो ये बन जाएगा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। ओके, तो सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। अब हैलोजन एटम डिपेंड करता है यहाँ कैसा रहेगा, वो डिपेंड करेगा या हम क्लोरीन लिए हैं कि ब्रोमीन लिए हैं या आयोडीन लिए हैं। तो हियर CX4 इक्वल टू क्या हो सकता है भाई, CCl4 हो सकता है, अथवा हो सकता है CBr4 OR Br2, या हम ले सकते हैं Ci4 अथवा CH3I अथवा I2। ओके, तो आप देख रहे हैं CX4 इज इक्वल टू आपका हो सकता है CCl4, CBr4 अथवा Br2, Ci4, Ci3, I2। अब जैसा भी हम यहां रखेंगे वैसा यहां हमारा हैलोजन आएगा। अगर यहाँ हम क्लोरीन कंटेनिंग रखेंगे तो क्लोरीन आएगा,
ब्रोमीन कंटेनिंग रखेंगे तो ब्रोमीन आएगा, एंड आयोडीन कंटेनिंग कार्बन रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, आयोडीन आएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि एपल रिएक्शन होता क्या है। अब देखेंगे कि एल्कोहल एल्किल हैलाइड में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। ओके, तो आई होप इतना आप लोग मेंशन कर चुके होंगे। तो अब हेडिंग इनपुट करेंगे हम लोग क्या मैकेनिज्म, तो हेडिंग यहाँ इनपुट करते हैं हम भाई मैकेनिज्म। देखिए एपल रिएक्शन की मैकेनिज्म समझना बहुत ही आसान है, इसकी साइक्लिक मैकेनिज्म भी हम दे सकते हैं या फिर स्टेप वाइज स्टेप मैकेनिज्म भी दे सकते हैं। तो स्टेप वाइज स्टेप मैकेनिज्म हम यहाँ मेंशन करेंगे जिससे आप लोगों को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके, तो हियर मेंशन हेडिंग मैकेनिज्म, क्लियर। तो दिस इज स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा ध्यान से आप देखेंगे, स्टेप फर्स्ट में जो ट्राई फेनिल फास्फीन है उसका हैलोजिनेशन करेंगे। तो यहां हम लिखेंगे क्या, हैलोजिनेशन ऑफ ट्राई फेनिल फास्फीन डेट इज PPh3। तो PPh3 का हैलोजिनेशन कराएंगे, ठीक है। तो यहां हम मेंशन करेंगे PH3P, पी के पास फास्फोरस के पास कितना लोन पेयर, वन लोन पेयर, प्लस CX लाएंगे। तो CX को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, CX4 को X, ये क्या भाई CX4 है, क्लियर। अब देखिए A लोन पेयर किसी हैलोजन पे अटैक करा सकते हैं, तो ए लोन पेयर इस हैलोजन पे जब अटैक करेगा तो ए बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा यानी कि कार्बन एटम पे। तो आप देखेंगे ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पे क्या आएगा, फास्फोरस पे पॉजिटिव साइन, तो ए बन जाएगा हमारा क्या PH3, दिस इज PX हियर पॉजिटिव। ओके, ये आपका हो गया। बाहर क्या निकल रहा है, कार्बन पे निगेटिव साइन और 3X, तो हम प्लस ऐसे कर सकते हैं X एबव द प्लेन हमारा क्या, X बिलो द प्लेन हमारा क्या, X इस पे क्या आ रहा भाई नेगेटिव, यहाँ क्या है X, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CX3 नेगेटिव, क्लियर। ये आपको समझ में आया होगा। आप देखें इसका लोन पेयर इस पे अटैक किया तो इस पे आएगा पॉजिटिव, ये जुड़ जाएगा तो यहाँ आपका बन गया PH3P पे पॉजिटिव X, और बाहर क्या निकल रहा है CX3 नेगेटिव। तो ए हमारा हो गया क्या, हैलोजिनेटेड ट्राइफेनिल फास्फीन, दिस इज हैलोजिनेटेड ट्राइफेनिल फास्फीन, क्लियर। दिस इज स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड में क्या होगा, स्टेप सेकंड में ये जो हमारा CX3 आउटसाइड निकला है यही एल्कोहल का प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा। तो हियर मेंशन स्टेप सेकंड, ये आप लोगों का हो गया होगा। स्टेप सेकंड में लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एल्कोक्साइड आयन, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ एल्कोक्साइड आयन। तो हम ले आएंगे भाई एल्कोहल, जो एल्कोहल लिया गया था सेकेंडरी एल्कोहल, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस ले आएंगे CX3 नेगेटिव, ये नेगेटिव यहाँ से प्रोटॉन लेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये बनेगा हमारा R, दिस इज R, हियर O नेगेटिव, प्लस आप देखेंगे यहाँ जो कार्बन है नेगेटिव साइन H ले रहा है तो बन जाएगा हमारा CHX3। ओके, ये हमारा क्लोरो फार्म हो सकता है, ब्रोमो फार्म हो सकता है या आइडो फार्म हो सकता है, वो डिपेंड करेगा हैलोजन कैसा है, या क्लोरीन है तो क्लोरो फार्म, ब्रोमीन है ब्रोमो फार्म, एंड आयोडीन है तो आइडो फार्म। ओके, दिस इज स्टेप सेकेंड। ये क्या बन गया भाई, एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन। तो ये दो स्टेप हमारा संपन्न हो गया। अब स्टेप थर्ड में क्या होगा ये ध्यान देना है। स्टेप थर्ड में ये जो एल्कोक्साइड आयन है
ये रिप्लेस करेगा न्यूक्लियोफाइल को जो हैलोजिनेटेड हो चुका है स्टेप फर्स्ट में ट्राइफेनिल फास्फीन. तो हियर मेंशन स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट बाय एल्कोक्साइड आयन. ओके, तो हम ले आएंगे एल्कोक्साइड आयन स्टेप सेकंड से. हियर मेंशन एल्कोक्साइड आयन लाइक दिस. प्लस ले आएंगे स्टेप फर्स्ट से PH3PX हियर पॉजिटिव. ओके, दिस इज हैलोजिनेटेड ट्राइफेनिल फास्फीन, दिस इज एल्कोक्साइड आयन. अब ये नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा तो यहाँ से ये न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि एक्स माइनस क्या होगा, बाहर निकलेगा. क्लियर? तो देखें क्या बनेगा भाई, दिस इज आर हियर आर, दिस इज ओ. ऑक्सीजन जुड़ा किस से, पी पी एच थ्री से, तो ये हमारा बन जाएगा पी पी एच थ्री. इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव साइन. प्लस बाहर क्या निकल रहा है, एक्स माइनस. यानी कि आप देख रहे हैं एक्स माइनस न्यूक्लियोफाइल का डिस्प्लेसमेंट हो गया किसके द्वारा, एल्कोक्साइड आयन के द्वारा. आई होप ये भी स्टेप आपको समझ में आया होगा. क्लियर? देखें एल्कोक्साइड आयन हैलोजिनेटेड ट्राइफेनिल फास्फीन, ये बन गया आपका, यहां से डिस्प्लेसमेंट हो गया किसका, हैलोजन यानी कि न्यूक्लियोफाइल का. तो हो गया स्टेप थर्ड. क्लियर? स्टेप फोर्थ में क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल यहां से बाहर निकला है यही अटैक करेगा इस एल्कोहल पे. अब यहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा. क्लियर? अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो प्रकार से हो सकता है, या तो यूनिमालिकुलर हो सकता है या बाईमालिकुलर हो सकता है. क्लियर? यूनिमालिकुलर कब होगा, जब हमारा एल्कोहल टर्शरी होगा तो यूनिमालिकुलर होगा, बट इन द केस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल बाईमालिकुलर होगा. यूनिमालिकुलर का मतलब SN1 रिएक्शन, बाईमालिकुलर का मतलब SN2 रिएक्शन. तो SN1 कब होगा, जब हमारा एल्कोहल टर्शरी रहेगा, बट यदि एल्कोहल हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी है तो वहां क्या होगा, SN2 होगा. क्लियर? तो स्टेप जो फोर्थ आएगा लास्ट स्टेप होगा हमारा, जिसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा एल्किल हैलाइड. तो स्टेप फोर्थ क्या है भाई, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, या कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. हियर मेंशन स्टेप फोर्थ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. क्लियर? तो यहां से ये दोनों मॉइटी ले आएंगे, यहां दिस इज आर हियर आर, दिस इज ओ, दिस इज पी पी एच थ्री पॉजिटिव. तो हम ले आएंगे न्यूक्लियोफाइल एक्स माइनस. अभी एक्स माइनस इस पे अटैक करेगा तो ये क्या होगा, यहां शिफ्ट होगा. तो देखेंगे आपका बनेगा आर हियर आर, एक्स यहां जुड़ेगा आपका, प्लस बाहर निकल जाएगा पी एच थ्री पी डबल बॉन्ड ओ. क्लियर? तो हमारा बन गया क्या भाई, प्रोडक्ट सेकेंडरी एल्किल हैलाइड. क्लियर हुआ? तो कंप्लीट मैकेनिज्म हुई एप्पल रिएक्शन की. आप देख रहे हैं फोर स्टेप में संपन्न हुआ, जिसमें कंप्लीट रूप से हम लोग प्राप्त कर चुके हैं सेकेंडरी एल्किल हैलाइड. आई होप ये मैकेनिज्म आप लोगों को समझ में आया होगा. क्लियर? इसकी मैकेनिज्म बहुत ही आसान थी. ठीक है, ये थी मैकेनिज्म. ओके, ये स्टेप हमारा इंपॉर्टेंट होगा, स्टेप फोर्थ. यही डिसाइड करता है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, किसकी, एप्पल रिएक्शन की. तो यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं, यानी कि हम लोग डिफिनेशन पढ़ चुके हैं, रिजेंट कौन कौन सा यूटिलाइज होगा उसको देख चुके हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म क्या थी इसको भी हम देख चुके हैं. ठीक है ना,
अब हम लोग देखेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एपल रिएक्शन. तो हियर मेंशन हेडिंग एपल रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री. ठीक है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री भाई समझ सकते हैं, बहुत ही आसान है. बस ध्यान देना है कि इसमें दो टर्म आएगा, एक इन्वर्जन और एक रिटेंशन, और साथ ही साथ आएगा रेसमाइजेशन. ठीक है ना, तो इन टर्म को पहले हम जान लेंगे और उसके बाद इसके स्टीरियो देखेंगे तो समझना बहुत ही आसान हो जाएगा. प्रीवियसली मेंशन हियर हेडिंग स्टीरियो केमिस्ट्री. ठीक है, तो स्टीरियो केमिस्ट्री समझना है. ध्यान दें, यदि हमारा एल्कोहल सेकेंडरी होगा, ध्यान से सुने, यदि हमारा एल्कोहल सेकेंडरी होगा साथ ही साथ काइरल होगा, तो जो स्टीरियो होगी वो प्रोडक्ट में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन मिलेगा. यदि हमारा एल्कोहल टर्शरी होगा तो स्टीरियो जो आएगी रेसमाइजेशन ऑफ कॉन्फिगरेशन मिलेगा, यानी कि रेशमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा 50-50%. ठीक है, तो देखें, अगर एल्कोहल हमारा सेकेंडरी है, सेकेंडरी एल्कोहल क्या हो भाई, काइरल. ठीक है ना, तो जो स्टीरियो आएगी इनवर्जन आएगा, इनवर्जन ऑफ कॉन्फिगुरेशन. क्लियर, इसको हम पहला पॉइंट मान लेते हैं. तो हमको देखना है एल्कोहल सेकेंडरी है तो प्रोडक्ट की जो स्टीरियो केमिस्ट्री आएगी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन आएगी. अब जानना है कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता क्या है. इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन समझना बहुत ही आसान है, ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या हो, डिफर हो, उसे हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. ध्यान से सुने, ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री अलग अलग हो, उसे हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. समझने के लिए, जैसे हमारा रिएक्टेंट है काइरल है, उसका अगर हम नामकरण करें आरएस बेस पर, तो सपोज करें रिएक्टेंट हमारा आर है, आर कॉन्फिगरेशन का है, तो प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो यस कॉन्फिगरेशन का आना चाहिए. यही हमारा क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. देखें इसको हम एक्सप्लेन करते हैं. सेकेंडरी एल्कोहल लेते हैं एग्जाम्पल. ठीक है, सपोज करें दिस इज CH3, हियर C2H5, एबव द प्लेन हमारा क्या है OH, एंड दिस इज बिलो द प्लेन H. ये हमारा मॉलिक्यूल है, तो ये हमारा मॉलिक्यूल जो है क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल है. इसकी रिएक्शन यदि हम कराते हैं PPh3, और यहाँ हम अगर ले लें CCl4 ले लें. ठीक है, तो देखें ये सेकेंडरी एल्कोहल है तो इसमें रिएक्शन कौन सा होगा, स्टेप फोर्थ में SN2, और हम लोग ये जानते हैं अच्छे से कि SN2 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल होता है लिविंग ग्रुप के बैक साइड से अटैक करता है. तो आप देख रहे हैं अगर ये OH है ऊपर तो इसका बैक साइड कहाँ होगा, नीचे, यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो कहाँ से आएगा, नीचे से आएगा. तो जब नीचे से आएगा तो इसका मतलब यहाँ से OH बाहर जाएगा तो जो X आएगा वो कहाँ से आएगा, बिलो द प्लेन से आएगा. तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, लाइक दिस, यहाँ हो जाएगा बिलो द प्लेन Cl, एबव द प्लेन H, दिस इज C2H5, हियर CH3. ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं जो रिएक्टेंट है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रोडक्ट से डिफर है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. आई होप आपको इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन समझ में आया होगा, और ये भी समझ में आया होगा कि यदि सेकेंडरी एल्कोहल का रिएक्शन ट्राई फेनिल फास्फीन और कार्बन टेट्रा हैलाइड जैसे क्लोराइड ब्रोमाइड या आयोडाइड लेते हैं तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो डिफर बनेगा, यानी कि रिएक्टेंट से अलग बनेगा. ओके, दिस इज द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल. क्लियर हुआ, आई होप ये समझ में आ गया होगा भाई. अब देखते हैं हम सेकेंड में यदि हम इसको टर्शरी ले लें, क्या ले लें, टर्शरी एल्कोहल ले लें. तो जब टर्शरी एल्कोहल लेंगे तो जो फोर्थ स्टेप है उसमें
सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो SN1 के द्वारा होगा, और हम लोग ये अच्छे से जानते हैं कि SN1 रिएक्शन जो होता है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के माध्यम से होता है। कार्बोकैटायन जब बनेगा तो प्लैनर स्ट्रक्चर बनेगा, तो उसमें दो लोब होगा, एक एबव या बिलो, तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा या तो ऊपर से आ सकता है या कहाँ से आ सकता है, नीचे से आ सकता है। तो ऊपर या नीचे से जब आ सकता है तो उसमें दो प्रोडक्ट बनेगा 50-50 का। एक तो प्रोडक्ट बन सकता है सेम जैसा रिएक्टेंट है, और दूसरा बन सकता है अपोजिट, ठीक है ना, यानी कि एक रिटेंशन बन सकता है, दूसरा क्या बन सकता है, इन्वर्जन बन सकता है। अब रिटेंशन क्या कहेंगे भाई, रिटेंशन का मतलब ऐसा ऑर्गेनिक रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या हो, सेम हो। यदि रिएक्टेंट का नामकरण किया जाए तो यदि रिएक्टेंट आर है तो प्रोडक्ट भी आर आना चाहिए, यदि रिएक्टेंट एस है प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, यस आना चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। और ऐसा रिएक्शन जिसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन दोनों प्रोडक्ट प्राप्त हों उसे हम कहते हैं रिस्माइजेशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं टर्शियरी अल्कोहल कायरल है, तो यहाँ हमारा बनेगा जो प्रोडक्ट वो बनेगा रेस्माइजेशन ऑफ कॉन्फिगुरेशन। रेस्माइजेशन में इसमें जो होगा ध्यान देंगे, ये 50% एंड 50%, यानी कि जो इसमें होगा रिटेंशन भी होगा एंड इन्वर्जन भी होगा, ठीक है ना, क्लियर। तो इसको एग्जांपल से हम एक्सप्लेन करते हैं। सपोज करिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, दिस इज हियर अबव द प्लेन हमारा OH, बिलो द प्लेन CH3, दिस इज C2H5 एंड हियर IPR। तो आप देख रहे हैं काइरल है और कैसा अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल है। इसकी रिएक्शन यदि हम कराते हैं किससे, ट्राई फेनिल फास्फीन कार्बन टेट्राक्लोराइड से, तो इसमें दो प्रोडक्ट बनेगा। इसकी रिएक्शन हम कराएं PPh3 CX4, तो इसमें एक प्रोडक्ट हमारा ए बन जाएगा, इसको हम इरेज कर सकते हैं हियर, देखें इसमें एक प्रोडक्ट हमारा ए बन सकता है, IPR, दिस इज C2H5, एबव द प्लेन हमारा CH3, बिलो द प्लेन हमारा Cl, प्लस दिस इज IPR, आइसोप्रोपिल जिसे हम कहते हैं, C2H5 एथिल ग्रुप, एंड हियर बिलो द प्लेन CH3 एंड एबव द प्लेन हमारा Cl। आप देख रहे हैं यहाँ एल्कोहल एबव है, ठीक है, तो यहां भी आपका Cl एबव जा रहा है, इसका मतलब जो कॉन्फिगरेशन रिएक्टेंट का है वही प्रोडक्ट का है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रिटेंशन कहेंगे। आप देख रहे हैं यहां OH ऊपर है, यहां Cl नीचे हो गया, तो इसको हम कहेंगे इनवर्जन, इनवर्जन। तो ये 50%, दिस इज 50%, तो ये हमारा हो जाएगा रेसमिक मिक्सचर जिसे हम कहेंगे क्या, रेस्माइजेशन, क्लियर। ये आपको समझ में आया होगा, तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री समझना बहुत ही आसान था, बस ध्यान देना है कि हमारा एल्कोहल कैसा है। यदि हमारा एल्कोहल सेकेंडरी है तो SN2 रिएक्शन, यदि हमारा एल्कोहल टर्शियरी है तो SN1 रिएक्शन, और SN1 रिएक्शन होगा तो उसमें स्टीरियो जो प्रोडक्ट बनेगा वो दो बनेगा, एक हमारा रिटेंशन दूसरा इन्वर्जन, यानी कि रेस्माइजेशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा, और SN2 हो रहा है तो उसमें इन्वर्जन ओनली होगा। तो आई होप ये स्टीरियो केमिस्ट्री आप लोगों को समझ में आई होगी एप्पल रिएक्शन की, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा रिएक्शन एप्पल, ठीक है ना, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया डेफिनेशन, रिएजेंट क्या यूटिलाइज होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है, एंड स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है। अब होल समरी पार्ट में आपको देना चाहता हूँ, एक नज़र में आपका ये रिएक्शन तैयार हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ समरी पार्ट माइंड में आप लोग सेट कर लीजिए, तो ये रिएक्शन आप लोगों का
बहुत ही इजी हो जाएगा और इससे कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम आती है तो आप आसानी से बना सकते हैं, जिसमें स्टीरियो का केस हो या ना भी हो, दोनों कंडीशन आप देख सकते हैं। तो हम लोग समरी देख लेते हैं। समरी में हमको क्या देखना भाई कि ये रिएक्शन क्या होता है, रिजेंट क्या है, ठीक है, और इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है। मैकेनिज्म तो उसमें मेंशन नहीं करना, मैकेनिज्म आप लोग देख चुके हैं। तो आप लोग हेडिंग इनपुट करेंगे समरी, ओके। समरी में हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, एल्कोहल कन्वर्ट होगा एल्किल हैलाइड में। किसमें कन्वर्ट होगा? एल्किल हैलाइड में। या हम रीजेंट लेंगे, क्या लेंगे भाई? रीजेंट। तो रीजेंट इक्वल टू हमारा होगा पीपीएच का थ्राइस सीसीएल फोर हो सकता है, अथवा पीपीएच का थ्राइस सीबीआर फोर ओ आर आर बी आर टू हो सकता है, अथवा हमने यहाँ पीपीएच का थ्राइस सी आई फोर ओ आर आर सी एच थ्री आई ओ आर आर आई टू हो सकता है। दिस इज रिएक्शन, दिस इज रिजेंट। स्टीरियो केमिस्ट्री देख लेते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री। तो स्टीरियो केमिस्ट्री देखें, सेकेंडरी एल्कोहल काइरल, तो जो प्रोडक्ट आएगा इन्वर्जन आएगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगुरेशन, क्लियर। अगर हमारा एल्कोहल टर्सरी है, टर्सरी एल्कोहल क्या है? काइरल है, तो ये जो बनेगा बनेगा रेसमाइजेशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ये था। इसमें एक पॉइंट हम और ऐड करना चाहेंगे, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट ऐड करना चाहेंगे, रिएक्शन टाइप, यानी कि रिएक्शन टाइप कैसा है। रिएक्शन टाइप तो ये कैसा रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं? ESN, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कंप्लीट हो गया आपका एपल रिएक्शन, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को एपल रिएक्शन समझ में आया होगा। अब हम आपको क्वेश्चन देना चाहेंगे, इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको समझना और आसान हो जाए एपल रिएक्शन। तो क्वेश्चन प्रॉब्लम दें आप लोगों को भाई, क्यों दिया जाए, ठीक है। तो ये समरी पार्ट आप लोग आई होप राइट डाउन कर चुके होंगे या स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम आप लोगों को क्वेश्चन प्रॉब्लम देंगे। क्वेश्चन प्रॉब्लम करना बहुत ही आसान है, जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया यही माइंड में रखिए, तो क्वेश्चन भाई बन सकता है ना। क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है कि नहीं बन सकता है, क्वेश्चन कहीं से थोड़ी आएगा, जो कॉन्सेप्ट है यहीं से आएगा। देखें हम लेते हैं क्वेश्चंस। ओके, हियर मेंशन फर्स्ट, दिस इज सी एच थ्री सी टू एच फाइव एबव द प्लेन OH, बिलो द प्लेन H, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे PPH3 CBr4, तो ये प्रोडक्ट आप लोग बनाएंगे। दूसरा रिएक्शन PH, दिस इज एबव द प्लेन OH, ठीक है। हियर पी पी एच का थ्राइस, दिस इज सी आई फोर, दिस इज रिएक्शन सेकंड। नेक्स्ट हम ले आएंगे
तीसरा रिएक्शन, तीसरा रिएक्शन हम देखेंगे हियर अबव द प्लेन सी एच थ्री, दिस इज डबल बॉन्ड एंड हियर आपका ओ एच, हियर बिलो द प्लेन आई पी आर, क्लियर। तो यहाँ हम रखेंगे पी पी एच थ्री सी आई फोर, इसका भी प्रोडक्ट आप लोग बनाएंगे। दिस इज फोर्थ रिएक्शन, फोर्थ में हियर एबव द प्लेन ओ एच, ओके, एंड बिलो द प्लेन दिस इज एच। पी पी एच का थ्राइस सी सी एल फोर, ये चार रिएक्शन हो गया, ठीक है ना। तो ये फोर रिएक्शन आप बनाएंगे, ठीक है। पांचवा रिएक्शन मैं यहां लिख देता हूं भाई, फाइव पी पी एच का थ्राइस सी सी एल का फोर, दिस इज सी सी एल का फोर, इसका प्रोडक्ट आप बनाएंगे। सिक्स नंबर पे हम कर रहे हैं, दिस इज पी पी एच का थ्राइस सी आई फोर, ए सेवन, दिस इज ओ एच, हियर पी पी एच का थ्राइस सी सी एल का फोर, ए प्रोडक्ट। तो ये सात रिएक्शन मैंने यहां मेंशन किया, इसको आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको ध्यान देना है कि स्टीरियो का केस है तो वहाँ स्टीरियो अप्लाई करेंगे, जहाँ स्टीरियो का केस नहीं है वहाँ आप सिंपली सब्स्टिट्यूट कर देंगे एल्कोहल को, जैसा आपका हैलोजन रहेगा वैसा हैलोजन आ जाएगा प्रोडक्ट में। आई होप ये आप लोग कर ले जाएंगे रिएक्शन, तो आप लोग इस सभी रिएक्शन को एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसको आप लोग मेंशन करेंगे कॉपी पे और इसका आंसर भी आप लोग कंप्लीट करेंगे, ओके। तो टाइम को देखते हुए आज की क्लास हम लोग यहीं स्टॉप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेटर बी से स्टार्ट होने वाले नेम रिएक्शन का अध्ययन करेंगे जो बिलोंग करेगा चैप्टर एल्कोहल से, क्लियर। तो आज की क्लास हम यहीं स्टॉप करेंगे, तो चलते चलते मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूँ थैंक यू फॉर कोऑपरेशन, आप लोगों का सहयोग ऐसे बना रहे। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मुलाकात करते हैं, ओके।